पाकिस्तान से आई सीरा हैदर से यूपी एटीएस लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ कर रही है। 9 घंटे से ज्यादा ये पूछताछ चली। सीमा हैदर का सोशल मीडिया अकाउंट यूपी एटीएस ने खंगाला। जिनको सीमा ने रिक्वेस्ट भेजे थे उसमें से कुछ एक के भारतीय सेना से जुड़े होने की भी बात सामने आई। एटीएस की पूछताछ में अपने कई बयानों से पलटी सीमा हैदर। पाकिस्तानी आर्मी में भाई के होने के सवाल पर चुप्पी साधे रही सीमा हैदर। पूछताछ के बाद एटीएस ने सीमा, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल को रबुपुरा थाने में ही रखा। आज भी हो सकती है सीमा हैदर से पूछताछ। विपक्षी दलों के नए गठबंधन का नाम इंडिया होगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किया नाम का ऐलान। सभी दलों ने इस पर सहमति जताई। खड़गे ने कहा कि विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी। प्रचार प्रबंधन के लिए 11 सदस्यों की समन्वय समिति बनेगी। मुंबई में होगा सदस्यों के नाम का ऐलान। विपक्ष की बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच है। यह लड़ाई देश के संविधान को बचाने के लिए है। विपक्ष की बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि देश बेचने का सौदा कर रही है बीजेपी। इंडिया जीतेगा और बीजेपी हारेगी। बेंगलुरु से लौटते समय खराब मौसम की वजह से भोपाल में हुई सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। 1.5 घंटे रुकने के बाद दिल्ली रवाना हुए। सोनिया राहुल जब दिल्ली जाने के लिए वीआईपी लॉन से निकले तो उनके डिपार्चर सिक्योरिटी चेकिंग की गई। इंडिया की बैठक में शामिल 39 दलों के पास प्रस्ताव गया। सभी दलों ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। 330 से ज्यादा सीट जीतने का टारगेट। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने देश में अस्थिरता के लिए गठबंधन बनाया। पूरे देश का विश्वास एनडीए पर है। एनडीए की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी का विपक्षी गठबंधन पर तंज, कहा ये पास आ सकते हैं लेकिन साथ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं लेकिन बेंगलुरु में हाथ पकड़कर हंस रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बंगाल में लेफ्ट और तृणमूल लड़ रहे हैं लेकिन बेंगलुरु में साथ खड़े हैं। जनता जानती है मिशन नहीं मजबूरियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मेरे शरीर का हर कण मेरे जीवन का हर क्षण देश को समर्पित। एनडीए के तीसरे टर्म में देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होगी। एनडीए की बैठक के बाद जेपी नड्डा का ट्वीट, मोदी जी के नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन 50% से ज्यादा मत हासिल करेगा। विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम पर एकनाथ शिंदे का तंज, कहा नाम बदलने से नहीं काम करने से होता है। महाराष्ट्र में एनडीए 45 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इंडोनेशिया में भीषण हादसा हुआ। रेलवे ट्रैक पर फंसे ट्रक को तेज रफ्तार ट्रेन ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक में ब्लास्ट। रूस यूक्रेन के बीच जारी है खूनी संघर्ष। यूक्रेनी सेना ने रूसी पोजीशंस पर आर्टिलरी से अटैक किए। हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा। स्पेन के टोलेडो में यूक्रेनी सैनिकों की 5 वीक तक ट्रेनिंग चली है। रिहर्सल में डमी ठिकानों को सैनिक निशाना बनाते हुए नजर आए। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, क्रीमिया में यूक्रेन के ड्रोन अटैक को रूस ने नाकाम किया। क्रीमिया में मार गिराए 28 ड्रोन। क्रीमिया पुल पर हमले के बाद रूस का यूक्रेन पर पलटवार। ओडेसा और बाइकोलेव को बनाया निशाना। 70,000 टन ईंधन नष्ट किया गया। रूस ने ब्लैक सी से यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा को बनाया निशाना। युद्धपोत से दागी 6 कैलिबर मिसाइलें। हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत की खबर। यूक्रेन के मिलिट्री अधिकारी सेलेस्की का बयान, कहा जंग में क्लस्टर बम का इस्तेमाल करेगा यूक्रेन। बेलगोरोड के गवर्नर का दावा, शामिनो गांव के बाहरी इलाके में यूक्रेनी गोलाबारी में 5 लोग घायल। क्रीमिया ब्रिज को लेकर बोले रूसी उप प्रधानमंत्री, नवंबर तक क्रीमिया ब्रिज पर बहाल नहीं किया जाएगा ट्रैफिक। यूक्रेन के ताबरिया में रूस को बड़ा नुकसान। यूक्रेनी हमले में रूस के 3 टैंक तबाह। अटैक में कई और सैन्य साजो सामान भी नष्ट किए गए। रूस से सटे ब्रयांस्क में स्टॉर्म शैडो ब्लास्ट, यूक्रेन का रूस के अंदर हमले का था टारगेट। लगातार तीसरे दिन तक क्रीमिया पर ड्रोन अटैक। रूस ने क्रीमिया में कई ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के 28 ड्रोन रूस ने मार गिराने का दावा किया। यूक्रेनी हमले को रूसी पीओवी ने नाकाम कर दिया। अटैक में कई लोगों की मौत की खबर। 3 रूसी सैनिक घायल।
यूक्रेन का रूस के टैंक रेजिमेंट पर M777 तोपों से अटैक। हमले में कई तोपें ध्वस्त हुई, कई रूसी सैनिकों की भी जान गई। यूक्रेन की छापामार ब्रिगेड के सैनिकों का रूस पर जोरदार हमला। ATGM से जैवलिन मिसाइल दागकर बख्तरबंद गाड़ियों को तहस नहस किया। यूक्रेन की MI-24 अटैक से हेलीकॉप्टर से रूसी ठिकानों पर हमला हुआ। अटैक हेलीकॉप्टर से रूसी पोस्ट पर बमबारी। खेरसों में रूस का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमला। अटैक में यूक्रेन के कई ड्रोन मार गिराए गए, दो मिलिट्री ठिकाने भी ध्वस्त हुए। MP कांग्रेस की आज से आदिवासी स्वाभिमान यात्रा, सीधी जिले से शुरुआत होगी। 2 अगस्त को झाबुआ में खत्म होगी यात्रा। NDA की बैठक से पहले चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी के पांव छुए, प्रधानमंत्री ने भी चिराग को गले लगाया। NDA की बैठक के दौरान चिराग पासवान ने केंद्रीय मंत्री और अपने चाचा पशुपति पारस के भी पांव छुए, पशुपति पारस ने भतीजे चिराग को गले लगाया। विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम रखने के बाद असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट पर बायो बदला। हेमंता ने बायो में इंडिया की जगह भारत लिखा। NDA की बैठक के बाद प्रधानमंत्री JP नड्डा, अमित शाह की अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के साथ अलग से बैठक हुई है। कोलकाता में BJP नेता सरोज पांडे का ममता सरकार पर बड़ा निशाना। कहा, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। दिल्ली में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसलों को मिल सकती है मंजूरी। संसद के मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज होगी सर्वदलीय बैठक, दोपहर 3 बजे संसद के लाइब्रेरी भवन में होगी बैठक। 20 जुलाई से होगी संसद के मानसून सत्र की शुरुआत, 11 अगस्त तक चलेगा सत्र। संसद के दोनों सदनों में कुल 17 बैठकें की जाएंगी। मानसून सत्र से पहले आज शाम 5:30 बजे होगी NDA के फ्लोर लीडर्स की बैठक, विपक्षी दलों के खिलाफ रणनीति को अंतिम रूप देगी सरकार। पंचायत चुनाव के बाद जारी हिंसा के विरोध में आज BJP का विरोध प्रदर्शन, कोलकाता में दोपहर 12:30 बजे निकलेगा विरोध मार्च। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट चीता को लेकर दिल्ली में आज उच्च स्तरीय बैठक, प्रोजेक्ट चीता की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में केंद्र के प्रोजेक्ट चीता पर मंडरा रहा है संकट, पिछले 10 महीने में 8 चीतों की हो चुकी है मौत। खेरसोन में रूस के फ्लेम ग्रोथर लॉन्चर्स ने मचाई भीषण तबाही, यूक्रेन की सैन्य छावनी पर दागे बैक टू बैक कई रॉकेट्स, हमले में यूक्रेनी गोला बारूद तबाह। जंग में रूसी फोर्स ने ड्रॉक वेपन को ज़ेपोरिजिया में किया तैनात, ड्रॉक वो 1 मिनट में 10 राउंड मोर्टार किए जा सकते हैं फायर। यूक्रेन का हाईमार्स मिसाइलों से रूस पर अटैक, हाईमार्स मिसाइल ने रूस के 240mm मोर्टार वेपन को बर्बाद किया। यूक्रेनी आर्म फोर्स के प्रवक्ता का बड़ा दावा, कुपियांस में 1 लाख रूसी सैनिकों की तैनाती, 900 टैंक्स पूर्वी इलाके में है मौजूद। यूक्रेन की उपरक्षा मंत्री हेना मलियार का भी बयान, कहा, कुपियांस के अलावा अवदिवका और मरिंका के 3 मोर्चों पर भीषण जंग जारी है। रूस में यूक्रेन का संदिग्ध जासूस गिरफ्तार हुआ, सिक्योरिटी इलाके में छिपकर कैप्चर कर रहा था तस्वीरें, FSB की टीम कर रही है पूछताछ। खेरसों में रूस ने Fab 500 बॉम्ब दागकर यूक्रेन में तबाही मचा दी है, मिलिट्री फैसिलिटी को तहस नहस कर दिया, कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली किलर मिसाइलों की नई खेप, यूक्रेन को नेटो देशों से मिली R-27 और R-73 मिसाइलें। विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच रूस चीन की जॉइंट ड्रिल हुई, वॉर ड्रिल के जरिए दोनों देश द्वीपों पर कब्जे की प्रैक्टिस करेंगे। नेटो के खिलाफ रूस ने सैन्य तैयारियों को तेज कर दिया है, रूस ने स्कैंडर मिसाइल का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ाया है। रूस की नेवल फ्लीट ने सागर में एडमिरल गोर्शकोव के जरिए डमी ऑपरेशन को अंजाम दिया, युद्धपोत से डमी ठिकानों पर भीषण गोलीबारी हुई। पोलिश कृषि मंत्री रॉबर्ट चेलस का बयान, भीषण युद्ध के बीच अनाज को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है रूस। 1984 के सिख विरोधी दंगे में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप पत्र, फैसला आज, राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था। तीस्ता सीतलवाड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, गुजरात दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से तीस्ता को मिल चुकी है अंतरिम सुरक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री के साथ की द्विपक्षीय वार्ता, रक्षा औद्योगिक साझेदारी बढ़ाने पर हुई चर्चा।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से एक शख्स इसकी चपेट में आ गया, उसकी दर्दनाक मौत होगी, जबकि 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पालघर और रायगढ़ के लिए IMD का रेड अलर्ट, ठाणे, मुंबई और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट। अगले 24 घंटे के दौरान पूरे तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने 9 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 23 जिलों के लिए जारी हुआ है येलो अलर्ट। गुजरात में भारी बारिश से बड़ी मुसीबत, राजकोट और धोराजी में 6 घंटे के अंदर 9.5 इंच हुई बारिश, IMD ने अगले 4 दिन के लिए जारी किया अलर्ट। पहाड़ों पर लगातार बारिश से कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, प्रशासन अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन, कालका शिमला रेलवे लाइन पर ट्रेन सेवा निलंबित की गई। केंद्र की 8 सदस्यीय टीम नुकसान का जायजा लेने के लिए हिमाचल पहुंची, टीम के 4 सदस्य मंडी, कुल्लू, मनाली जाएंगे, जबकि दूसरी टीम सोलन, शिमला और किन्नौर जाएगी। उड़ीसा के कई जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश हुई है, IMD का अगले 4 से 5 दिन तक भारी बारिश का अनुमान है। असम के कई जिलों में बाढ़ की वजह से हालात खराब, मोरीगांव में किसानों की फसलें तबाह, हर तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी। असम में बाढ़ की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क का आधे से ज्यादा हिस्सा जलमग्न है, पार्क के बीच से गुजर रहे हाईवे पर आए जंगली जानवर। मध्य प्रदेश के दमोह में बाइक से नाला पार करते समय 2 लोग बह गए, महिला को बचाया गया, तलाश अभियान भी जारी। रायबरेली में कमरे में सो रहे युवक पर अचानक छत गिरी, लोगों ने मलबा हटाकर युवक को निकाला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने गोली मार दी, दोनों घायल, अस्पताल में भर्ती।